नहीं क्यों ऐसे लीचर काम करते हैं, इस तरह की हरकतें करते हैं भाजपाई, ऐसा झूठ बोलते हैं जो तस्वीरों के साथ बिल्कुल इनका पर्दाफाश। अध्यक्ष के लिए भरपूर सम्मान है, लेकिन भाजपा बार बार जो खरगे जी का अपमान करती है, शायद इसलिए करती है क्योंकि खरगे जी दलित समुदाय से आते हैं, उस समुदाय से आते हैं जिनसे भाजपा नफरत करती है, जिनका सालों तक इनके जैसे लोगों ने शोषण किया। झूठ उस तरह के बोलो ना जो बार बार पकड़ ना लिए जाए, दो मिनट में पकड़ लिए जाते। दिन भर आज भाजपा ही सकते में रहे। वायनाड में उमड़े जन सैलाब को देखकर ये निरुत्तर थे, समझ ही में नहीं आ रहा था क्या करें। फिर शाम को इन्होंने एक शगुफा छोड़ा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए सफेद झूठ बोला, लेकिन कुछ ही मिनटों में इनके झूठ का पर्दाफाश हो गया और इन झूठों को मुंह की खानी पड़ी। पता नहीं क्यों ऐसे लीचड़ काम करते हैं, इस तरह की हरकतें करते हैं भाजपाई, ऐसा झूठ बोलते हैं जो तस्वीरों के साथ बिल्कुल इनका पर्दाफाश हो जाता है। असलियत यह है कि नामांकन के वक्त डीएम के कमरे में प्रत्याशी को मिलाकर मात्र 5 लोग बैठ सकते थे। जब खरगे जी, सोनिया जी और राहुल जी वहां पे पहुंचे तो वहां पर ऑलरेडी कुछ लोग बैठे हुए थे। जैसे ही वो कमरे से निकले, उनको पता चला ये लोग आ गए, वो लोग कमरे से निकले, उसी वक्त खरगे जी, सोनिया जी और राहुल जी अंदर आए और खरगे जी आकर प्रथम पंक्ति में बैठे। सोनिया जी सीपीपी की अध्यक्ष होने के बाद भी पीछे वाली पंक्ति में बैठी। हमारा अपने अध्यक्ष के लिए भरपूर सम्मान है, लेकिन भाजपा बार बार जो खरगे जी का अपमान करती है, शायद इसलिए करती है क्योंकि खरगे जी दलित समुदाय से आते हैं, उस समुदाय से आते हैं जिनसे भाजपा नफरत करती है, जिनका सालों तक इनके जैसे लोगों ने शोषण किया है। हम अपने अध्यक्ष का सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, और असलियत यह है कि अपना प्रचार प्रसार और नामांकन के पहले अगर प्रियंका जी किसी एक व्यक्ति के यहां आशीष और मार्गदर्शन लेने गई थी तो वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी थे। उनके बारे में इस तरह के गलीच झूठ बोलकर भाजपाई बार बार आप अपना असल चेहरा, दलित विरोधी चेहरा दिखाते हैं, लेकिन झूठ उस तरह के बोलो ना जो बार बार पकड़ ना लिए जाए, दो मिनट में पकड़ लिए जाते हो। निहायत ही झूठे लोग हैं ये लोग। नमस्कार, मैं हूं अहमद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।